देखिए दरवाज़ा भी खोला हुआ, मलाइका हो रहे नीचे चली गई हैं और नाश्ता कर लिया बच्चों ने, और ये सारे बिस्तरे लपेट के हेल्थी की हालत देखें आप। और ये देखें जूते शूते जो हैं ये भी उल्टे सीधे किए हुए हैं। आज सलीम जो हैं शूज़ नहीं पहन के गए, हालांकि सलीम शूज़ पहन के जाते हैं, आज जो लेट हो गए थे तो इसलिए शूज़ नहीं पहन के गए। और ये देखें सीढ़ियों पर हमारे अंधेरा देखें जैसे कि शाम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह पाक के करम से हम भी ठीक हैं। तो अभी और सुबह का टाइम, और जैसे आप लोगों ने देखा मेरे पूरे घर की हालत कितनी बुरी हो रही है, कमरे की भी सेटिंग करते हैं और मैं सोच रही हूँ कि इस एक ही दफ़ा जो कमरे की सेटिंग और सफाई करके फिर बाहर की भी जो बिस्तर समेट के फिर एक ही दफ़ा जो झाड़ू और पोछा लगाऊंगी। और मेरे किचन के बर्तन भी ये देखें पीछे जो है पड़े हुए हैं, मलाइका वन जैसे ही नीचे गई है, मैंने सोचा जल्दी जल्दी जो है काम समेटती हूँ और फिर पोछा लगा लेती हूँ। आपको पता है बच्चे जो हैं बार बार जो जितना रोको उनको ना रुकते जो है नहीं। और ये देखिए इस टोकरी में जो है ना मैंने सारी जर्सियां ही बच्चों की रखी हुई हैं, और ये देखो फिर नीचे चले गई स्लिप हो जाती हूँ। और कोई बड़ी बास्केट ही नहीं मेरे पास, एक ही जिसमें बच्चों के जो मैंने कपड़े रखे हुए हैं। तो अभी जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि बड़ी बास्केट लूँगी जिनमें बच्चों की जर्सियाँ रखूँ, पर सोच रही हूँ कराची में तुम्हारे यहाँ तो एक महीने ही सर्दी होती है, अभी तो इतनी सर्दियाँ वैसे हैं भी नहीं वैसे। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ जाय नमाज, ये देखें माशाल्लाह ये देखिए कितनी खूबसूरत है। तो ये मेरी शादी की जाय नमाज है, मतलब जहेज में मिली थी मुझे, और ये भी मेरे अब्बू को जो है गिफ्ट दी थी सऊदीया से, और मतलब जहाँ पे वो काम करते थे और सेठों ने उनको जो है गिफ्ट दी थी जब वो उमरा करके आए थे। तो अभी जो है मैं इस जान नमाज को रखती हूँ, तो इस जान नमाज को जो है इधर ही रख देती हूँ। इसको जो है नीचे मैंने ये बिस्तर डाल के दिया कि इसको ठंड ना लगे, क्योंकि मार्बल बहुत ठंडी है। और इस रूम की हालत भी देख लें आप। और इधर जो है बच्चों के बिस्तर में जो है लपेट के रख रही हूँ। आज जो है सबसे पहले जो है मैंने सीढ़ियों की सफाई की है, सीढ़ियों पे बहुत मिट्टी हो रही थी, और जब से मैं इस घर में आई हूँ ना तो मतलब 2 से 3 बार जो है मैंने झाड़ू लगाया है। 2-3 दिन छोड़ के जो मैं झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि सीढ़ियों पर जो झाड़ू फिर लगाना और बच्चों ने बार बार जो फिर वही मिट्टी वाले पाँव ऊपर ही लेके आ जाना। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ और मैंने ना बच्चों को जो है घर में जो है जूते नहीं लाने देती, दरवाज़े से बाहर ही रखवाती हूँ सीढ़ियों वाली जगह, और अंदर नहीं आना देती क्योंकि उसे मिट्टी बहुत हो जाती है। और ये जो मार्बल आप लोगों को पता है वाइट मार्बल है, और थोड़ा सा जो पाउंड लग जाए मिट्टी वाला जो वैसे जूते का फ़ौरन जो है दाग सामने शो करता है, अगर जो अंदर कमरे में जो मार्बल लगी हुई है ना उस पर इतना नहीं करता, और बाहर वाली जो है मार्बल पर बहुत ही सामने बहुत शो होता है। और यहाँ पर जो है मैं सफाई कर रही थी, आप लोगों को पता है झाड़ू लगाना और कोई भी सामान सामने पड़ा हो ना तो वो सामान जो है उठा के फिर ही झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इससे सफाई पसंद नहीं है और ना मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं ऊपर ऊपर से सफाई कर लूँ तो मुझे लगता है कि मैंने सफाई की ही नहीं है, भले जितनी ही मुझे जल्दी हो, ये कि मैं काम छोड़ दूँगी लेट करूँगी कि मैं क्लीनिंग सही करती हूँ। और यहाँ पे जो पहले मैंने इसका ये चटाई जो है बच्चों की जो मैंने यहाँ पे डाली हुई थी इसके नीचे बिल्कुल ही कचरा नहीं था, हालांकि मैं शाम को ही झाड़ू लगाया था यहाँ पे, और अभी देखिए कितना कचरा हो रहा है। हालांकि मैं रात को भी सफाई करके ही सोती हूँ, बच्चों वाले घर में आप लोगों को पता बहुत कचरा आता है, हालाँकि मेरे घर में एक जूता भी घर में नहीं आता, फिर भी आप देखें मिट्टी देखें, हालाँकि मेरा घर कितना बंद है। और आज सोचा पूरे घर की जो है सफाई करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, और यहाँ पर जो ये देखिए घर का कितना ही कचरा निकला है, और यहाँ पर जो जूतों को साफ़ करके मैं साइड पे रख दूंगी। और मेरा एक ड्रम यहाँ पे पड़ा, एक ड्रम जो है मेरे जो उस घर में जो है रह गया क्योंकि वो पानी का फुल हुआ था, तो मैंने उनको कहा था जब भी खाली हो जाए मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा और मैं वो ड्रम उठा लूँगी। और यहाँ पे जो मेरा पानी का कोई वो नहीं है, मालिक मकान और हम लोग जो है मिल के ही डलवा रहे हैं फ़िलहाल, क्योंकि उनकी फैमिली भी ही छोटी है और हमारी फैमिली भी छोटी है, तो इस चीज़ का मुझे फ़ायदा हो गया कि मैं यहाँ पर जो गदा गाड़ी मुझे नहीं डलवानी पड़ती। और यहाँ पर जो सारे पोचे जो है मैं ये पैदान जैसे पोछे कह रही हूँ और पैदान जो है मैं इकट्ठे करके ये खिड़की में रख रही थी, मैंने कहा पोछे लगाऊंगी। और सबसे पहले जो है मैं बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन काफ़ी सारे इकट्ठे हुए हुए थे, शाम को भी मेरे बर्तन जो है आजकल रह जाते हैं, कि उससे हमारे यहाँ पे लाइट फिर जा रही है 10 बजे, और ये बर्तन सुबह के और शाम के हैं, और ये बर्तन सारे मैं धो लूँगी और किचन को भी अच्छे से साफ़ करूँगी। और काफ़ी अभी यहाँ पे जो है मैं थक चुकी थी, और शुक्र है दूध भी फ्रिज में पड़ा हुआ था, और मैंने कहा जल्दी से बर्तन धोती हूँ और फिर जो है चाय रख देती हूँ, तो चाय जो है साथ साथ में भी बनती रहेगी। यहाँ पे काफ़ी सारे जो बर्तन थे मैंने कहा चलो ये जो क्लियर हो जाएंगे उसके बाद जो मैं जो पोंछा लगा लूँगी,
और हुज़ैफ़ा ने यकीन करे जब से इस घर में आई चिड़चिड़ापन इतना हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। बुखार की वजह से उसका चिड़चिड़ापन जो है जा रहा नहीं है। और यहाँ पे सलीम जो है आजकल जी वो आते हैं शाम को, कहते हैं कि मुझे जो है ठंडा पानी चाहिए, और मैं उनको कहती नहीं आपकी वजह से बच्चे भी ठंडा पियेंगे, आप लोगों को पता है गले ख़राब होंगे, और वो कहते हैं नहीं मुझे हल्का जो हल्का कर ठंडा पानी चाहिए। और मैं जैसे कि शाम में जो है फ्रिज ऑन करती हूँ, दिन में ऑफ रखती हूँ, इसकी वजह से ना बिल्कुल हल्का ठंडा होता है, तो मुझे भी आजकल अच्छा लगने लगाए और मैं भी पीती हूँ और स्लीम के लिए रखती हूँ। तो फ्रिज को भी जो है मैंने साफ़ के, फ्रिज भी बाहर से बहुत ही गंदा हो रहा था, और यह नहीं कि बच्चे मेरे जो है फ्रिज को यूज़ करते, मेरे बच्चे जो बिल्कुल ही फ्रिज को हाथ नहीं लगाते और ना ही पानी निकालते, मेरे बच्चे जो है फ्रिज से पानी नहीं निकालते, कूलर से यूज़ करते हैं, और मैंने उनको आदत ही नहीं डाली कि आप लोग जो है फ्रिज को जो है हाथ लगाएं, मेरी आदत नहीं है बच्चों को, इस चीज़ से जो सख्ती से मना करती हूँ। और यह ना हो कि कभी मैं जैसे बाहर जाती हूँ कि बच्चे फ्रिज खोलें, कोई ऐसा नुकसान कर दें या करंट लग जाए, तो इस चीज़ से मैं डरती हूँ, इस चीज़ से बच्चों को मैंने दूर ही रखा हुआ है। इनके लिए जो है मैंने कूलर में ही रखा हुआ है पानी, और कूलर भी मैंने किचन में सामने सेल्फ पे रखा हुआ है, और सोच रही हूँ कि उसके लिए भी कोई जो है सेटअप करूँ, मतलब कोई उसके लिए मैं लेके आऊँ कि मतलब स्टूल वगैरह लेके आऊँ, तो उसको जो कूलर को मैं उसके ऊपर रखूँ। और यहाँ पे जो है मैंने चाय जो है रखती थी और मैं निकाल रही थी इलायची, क्योंकि मुझे इलायची वाली चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जी मेरे काम बाकी जो सारे क्लियर हो गए थे और चाय जो मैंने बनने के लिए रख दी थी और मेरे यहाँ पर लग रहे थे पोचे, पोचे जो है क्लियर हो गया था। यहाँ पर जो कमरे में लगा रही हूँ सहन का थोड़ा बहुत जो है मैंने लगाया, फिर उसके बाद जो मैंने कहा थोड़ा बाद में लगा लूँगी, उस कमरे का भी लग चुका था और इस कमरे का भी लग चुका था। और ये देखिए इस रूम की भी जो है मैंने सेटिंग कर ली है और बिल्कुल साफ़ हो गया, पोचा जो है लग गया है। और ये देखिए बाहर जो है लॉन की भी सफाई हो चुकी है और यहाँ पे भी जो है मैंने पैदान लगा दिए, सफाई भी हो गई है। और अभी जो है बच्चों के मदरसे से आने का टाइम भी हो गया है। और ये देखिए जी हमारी चाय बस थोड़ी सी जो है कच्ची है, बस बनने वाली है। और देखें किचन भी जो है मैंने नीट एंड क्लीन कर ली है। और मेरे घर का चूहा ये देखें, हमारे घर में चूहा भी है, ये देखो भाई ये क्या लेके आ रहे हैं, चूहा प्याज लेके आ रहे हैं, वो नहीं इधर तो मुझे तो मुझे तो ये देखो जी प्याज लेके आ गए, बंद करो इसे। वाइपर जो है यहाँ पे खड़ा किया, तो वाइपर जो है मैं अपने गैलरी में बाहर खड़ा करती हूँ। और मौसम जो बहुत प्यारा हो रहा है, ये देखें मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा है यहाँ पर। गगू उठो मेरा बेटा, आलू ये देखें इसने यहाँ से निकाल लिए हैं, बस चाय को थोड़ी देर है बनने में। घर बिल्कुल साफ हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। तो अभी जो मैं अपनी चाय यहाँ पे रखती हूँ और चाय पीते हैं। तो अभी जो है चाय पीते हैं और थकन बहुत ज़्यादा हो गई है। और ये नहीं कि बच्चे आए और मुझे दो मिनट सुकून दे दें कि मम्मा ना उठे, मम्मा ये दे दो, मम्मा वो दे दो, बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। जब से इस घर में आई हूँ ना, मुझे हुज़ैफ़ा ने बहुत तंग किया, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है और समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ अब। तो इस वजह से आज जो मैंने वॉइस ओवर करनी पड़ी, नहीं तो आज मेरी वीडियो बिल्कुल ही नहीं बनती ना अपलोड होती। तो मैंने सोचा आज वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। और तो बाकी काम जो मेरा सारा घर का क्लियर हो गया, घर नीट एंड क्लीन हो गया। अब ये देखिए मेरा घर माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया है। आप लोगों को पता है घर जो बिल्कुल जब क्लीन हो जाता है तो फिर जो है सुकून हो जाता है। बस ये जो बच्चे ना खिलारा कर देते हैं, बस आएंगे अभी टॉयस वहाँ कर दे रखेंगे, कभी वहाँ पर टप अपना उठा के घूमेंगे, बस इनका यही है, जितना रोको तो नहीं रुकते। और अब ये कि जब से इस घर में आई हूँ, अब ये कि कभी कह देती हूँ आप ऊपर चले जाओ छत पर, वहाँ पर खेल लेते हैं। और आज तो सुबह सुबह उठ के बैठ के खेलने लगी, पूरे घर की हालत जैसे आप लोगों ने देखी कितनी बुरी हो रही थी। तो अभी बस चाय पीती हूँ, चाय मेरी ठंडी हो जाए, मैं चाय नहीं दोबारा गर्म करती, ये मेरी आदत है शुरू से। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।